बिहार को गति चाहिए, बिहार को पंख चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए, क्योंकि बिहार बेहतर और बेहतर का हकदार है। इन शब्दों के साथ पीपल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व में बिहार 2020 के चुनाव में मतदाताओं के लिए एक विकल्प के रूप में मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के इस खास एपिसोड को देख रहे हैं जिसमें बात करेंगे बिहार में चर्चित चेहरा पुष्पम प्रिया चौधरी की। बिहार हमेशा से भारतीय राजनीति के इतिहास का एक अहम मोहरा रहा है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जनपद में बंटे शासकों को एकत्र करके भारत के रूप में संगठित करने की हो या फिर शेरशाह द्वारा मुगल शासक हुमायूं को चुनौती देने, आपातकाल में ढकेलने वाली कांग्रेस की राजनीति हो या फिर प्रधानमंत्री के विजय रथ को चुनौती देने की, बिहार एक हुकुम के इक्के की तरह हमेशा कारगर साबित हुआ है। इतिहास का चक्र एक बार फिर से बिहार के लोगों के पास वापस आ पहुंचा है, जहां बिहार के लोगों को तय करना है कि भारत के साथ साथ उनके राज्य का भविष्य कैसा होगा। और इसी भविष्य को सकारात्मक तथा उज्जवल बनाने के वादे करती हुई पुष्पम प्रिया चौधरी खुद को बिहार चुनाव 2020 के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर बिहार के लोगों से जुड़ने का भरपूर प्रयास कर रही है। बिहार के चुनाव के दृश्य को रोचक बनाने वाली यह युवा नेता पुष्पम प्रिया चौधरी ने डबल एमए किया है। इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय से एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने एमए किया है। दरभंगा की रहने वाली पुष्पम जदयू नेता एमएलसी रह चुके विनोद चौधरी की बेटी हैं। हालांकि बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन से पहले पटना में बीएसटीडीसी यानी बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए भी काम कर चुकी हैं। खैर, यूं देखा जाए तो अक्सर बिहार में पितृसत्तात्मक विचारधारा का बोलबाला रहा है। लड़कियों का राजनीतिक पर बोलना या तो बदतमीजी माना जाता है या फिर अनसुना कर दिया जाता है। ऐसे में पुष्पम का एक नेता के रूप में उभरना बिहार की महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण और प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन किंतु परंतु बिहार की राजनीति और चुनाव पर बात हो और धर्म जाति का झुंझुना नहीं बजाया जाए तो क्या खाक राजनीतिक हुआ? यूपी बिहार ऐसा राज्य है जहां उम्मीदवार का जीत उसका जाति पर निर्भर करता है। विकास की बात का अर्थी सजाकर अक्सर जाति धर्म के मुद्दों को अमृत पिलाया जाता है, जिसका परिणाम बिहार की जनता पलायन, भुखमरी और बेरोजगारी के रूप में प्राप्त कर रही है। फिलहाल पुष्पम जाति व धर्म के तवे पर रोटी सेकने के बजाय बिहारी विचारधारा और खेती, उद्योग, धरोहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चे, महिलाओं, वृद्धों के मामले पर जोर देकर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है, जिसे चुनावी मौसम में अक्सर दूसरे पायदान पर रखा जाता है। पहला पायदान तो आप लोगों को पता ही होगा। बिहार की जनता जदयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस सबको मौका दे चुकी है, लेकिन आज इंडस्ट्री, शिक्षा, हेल्थ, सुरक्षा, काम के लिए पलायन और भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे पर कोई खास काम नहीं हुआ है। ऐसा मैं निजी तौर पर दावा कर सकता हूँ। सारी पार्टियाँ अब इन सब वादों में एक बार भी सफल ना हो पाई है। ऐसे में बिहार राज्य का कुछ वर्ग एनडीए और महागठबंधन से इतर नए विकल्प की ओर देख रहा है और इसी चाहत ने पुष्पम जैसे नई युवा नेता की उम्मीदों को बल दे दिया। यही कारण है कि 4-5 महीने में ही बिहार और इसके 243 क्षेत्र तथा 72,000 बूथ जीतने के सपने लिए पुष्पम लगातार कोशिशें कर रही हैं। अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। इसका चिन्ह एक सफेद घोड़ा है जिस पर पंख लगे हैं। ग्रीक मिथक में इसे पोगासस के नाम से जाना जाता है। इस घोड़े की खासियत थी कि वह जमीन पर दौड़ने के साथ साथ आसमान में भी उड़ सकता था। इसे शक्ति और तीव्रता का प्रतीक माना गया है। हालांकि चुनावी मौसम में विकास की सहनाई हर कोई बजाता है, पर चुनाव के बाद इस विकास की मैयत में कोई शामिल नहीं होता है। बिहार का भविष्य बिहारियों के हाथों में है। देखना काफी रोचक होगा कि कौन यह बाजी मारता है। लगातार 15 वर्षों तक राज करने के बाद भी नीतीश कुमार नई पीढ़ी के वोटरों को 15 वर्ष के पति पत्नी के राज यानी लालू राबड़ी क्या अराजकताओं की जानकारी देकर या पुष्पम प्रिया चौधरी द्वारा बिहार के विचारधारा और विकास के मुद्दों को बढ़ावा देकर। फिलहाल हर बिहारी केवल यही चाहता है कि बिहार को दौड़ाने और उड़ाने से पहले कोई उसे अपने पैरों पर चलने के काबिल बना दे। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे,
साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में आपका जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।